हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ राजू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीरो FIR के बारे में। यूजुअली आप सभी ने FIR के बारे में सुना होगा, बट आई डोंट थिंक कि आपने जीरो FIR के बारे में सुना होगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी नया है तो अधिकतर लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज की वीडियो में हम जीरो FIR क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जीरो FIR समझने से पहले हम पहले यह समझ लेते हैं कि FIR क्या होती है। आप सभी जानते हैं कि FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दोस्तों, आप स्लाइड में देख सकते हैं कि FIR क्या होती है। यह फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन टू ए पुलिस ऑफिसर इन राइटिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दोस्तों, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो विक्टिम के द्वारा फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को लिखित रूप में दी जाती है, उसे ही हम FIR कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में हम समझें, जब कोई भी क्राइम होता है, जैसे कि आप पीड़ित हैं, जब आप अपनी बात को पुलिस को कहते हैं या फिर लिखित तौर पर कंप्लेन करते हैं पुलिस से, तो वही एक FIR का फॉर्म ले लेती है। अब आप FIR को अच्छी तरह समझ गए हैं, अब हम बात करते हैं जीरो FIR के बारे में। दोस्तों, कई बारी आपने यह सुना होगा कि जब पीड़ित, जो भी विक्टिम है, रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, तो उससे पुलिस वाले यह कहकर रिपोर्ट नहीं लिखते कि जो जिस क्षेत्र में क्राइम हुआ है वह क्षेत्र उनके थाने के कंट्रोल में नहीं है, मतलब उनके थाने के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए वह FIR को नहीं लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में विक्टिम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वह एक थाने से दूसरे थाने तक चक्कर काटता रहता है, लेकिन उसकी FIR लिखी नहीं जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यही है जीरो FIR। जीरो FIR के अंतर्गत आप किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे, वह वहाँ का पुलिस इंस्पेक्टर है, वह आपकी रिपोर्ट को ज़रूर लिखेगा। लेकिन इसमें फ़र्क इतना ही रहेगा, जो FIR होती है उसमें एक सीरियल नंबर होता है। आपको पता होगा, जब भी FIR लिखी जाती है तो उनके पेज है उन पर सीरियल नंबर डला होता है। लेकिन जीरो FIR के केस में FIR का जो पेज है उस पर कोई भी सीरियल नंबर लिखा नहीं होगा। जैसा कि आप स्लाइड में पढ़ सकते हैं कि वेयर इज FIR सीरियल नंबर असाइंड टू देम, जीरो FIR आर असाइंड द नंबर जीरो, हैंस द नेम जीरो FIR। जैसा कि दोस्तों इसमें यह लिखा हुआ है कि FIR को एक सीरियल नंबर दिया जाता है, जो नॉर्मली FIR लिखी जाती है, लेकिन जीरो FIR केस में इसे एक जीरो नंबर दिया जाता है, इसलिए इसे जीरो FIR का नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया कि जीरो FIR किसी भी पुलिस स्टेशन पे दर्ज कराई जा सकती है, आपको पुलिस इंस्पेक्टर FIR दर्ज करने से मना नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि जीरो FIR का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। आप जीरो FIR के ओरिजिन के बारे में इस स्लाइड में पढ़ सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो FIR इज रिलेटिवली न्यू। दोस्तों, जीरो FIR का कॉन्सेप्ट अभी नया है। आगे लिखा है, वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी इन द आफ्टर मंथ ऑफ द निर्भया गैंग रेप केस इन 2012। दोस्तों, आपको पता हुआ होगा निर्भया गैंग रेप के बारे में, जो कि 2012 में हुआ था। दोस्तों, यह एक दर्दनाक घटना थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसी के बाद में जस्टिस वर्मा की कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद जीरो FIR का कॉन्सेप्ट आया। दोस्तों, मेरे हिसाब से यह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है जीरो FIR का। इसके बाद किसी भी विक्टिम के साथ न्याय आसानी से मिल सकेगा, क्योंकि विक्टिम को FIR दर्ज करवाने के लिए एक थाने से दूसरे थाने का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इस बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, आप कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।